किसकी चिट्ठी है? सत्या की, कह रही है पटना में कुछ और दिन रुकेगी। क्यों, सब ठीक है ना? कोई मेम साहब आ रही है। मेम साहब? हाँ, ऊंची एडियो की आवाज। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कुमारी मधुबाला राय है। आप व्योमकेश बाबू है ना? जी, व्योमकेश मैं हूँ। अच्छा अच्छा, आप हैं, सॉरी। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी मधुबाला राय है, आपसे मिलना चाहती हूँ। कहिए, क्या काम है? बैठिए ना। मैं पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नर्स थी, रिटायर्ड होकर अब मैं यही कलकत्ता में रहती हूँ। किसी ने आपका नाम और पता दिया, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हम बहुत गरीब हैं व्योमकेश बाबू, हमारे पास जो थोड़ा बहुत था। देखिए, पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले आप काम तो बताइए। मेरे लड़के की जान खतरे में है व्योमकेश बाबू, आप उसे बचाइए। आपका लड़का? लेकिन आपने तो अपना नाम कुमारी मधुबाला बताया ना। मेरा लड़का मतलब मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अनादि बाबू ने उसे गोद ले लिया है। अनादि बाबू के दो भतीजे हैं, नेमाई और निताई। एक मिनट रुकिए रुकिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप शुरू से बताएंगी तरतीबवार? करीब 20 साल पहले की बात है, तब मैं पटना अस्पताल में नर्स थी। एक आदमी अस्पताल में गर्भवती महिला को दाखिल करा के खुद गायब हो गया। 2 दिन बाद उसे बच्चा हुआ, वो खुद गुजर गई। उस लावारिस बच्चे को लेने कोई नहीं आया, मुझे उस पर तरस आया, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो 5 साल का था तो मुझे एक बेनाम चिट्ठी मिली, उसमें 400 रुपये थे। उसमें लिखा था, मुझे पता है कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, तुम ही उसकी परवरिश करो, कुछ रुपये भेज रहा हूँ, मौका लगा तो और भी भेजूँगा। किसकी चिट्ठी थी, कुछ पता चला? नहीं, फिर कभी कोई चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी सोचा, चलो लड़के का कोई तो है, कभी ना कभी आ जाएगा। पर 7-8 साल गुजर गए, कोई नहीं आया। प्रभात बड़ा हो गया, प्रभात नाम है उसका, हमारे पड़ोस में एक जिंद साज की दुकान है, वही प्रभात काम करता है। अच्छा, तो फिर परेशानी की क्या बात है? बताती हूँ, करीब 2 साल पहले मेरे पास एक सज्जन आए, वेशभूषा से प्रतिष्ठित लगते थे, उनका नाम है अनादि हालदार। पिछले 4 महीनों से प्रभात मेरे यहाँ काम कर रहा है, मेरे सारे बही खातों में जिल्द लगाकर नया जैसे कर दिया है। पता लगा कि तुमने उसे पाला पोसा है, उसके माँ बाप का कोई पता नहीं, मेरा कोई भी अपना नहीं है, मैंने शादी नहीं की, काम में ही लगा रहा, भगवान की कृपा से कुछ पैसा है, काम ना करूं तो भी सारी जिंदगी कट जाएगी। अब मैं कलकत्ता वापस चला जाना चाहता हूं, 4 महीनों से प्रभात को देख रहा हूं, लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोचता हूं उसे गोद ले लूं, मेरा बेटा बना लूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? प्रभात ने मुझे कहा है, लेकिन लेकिन न कहो, तुम भी हमारे साथ रहोगे, मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं है, और फिर तुम्हारे रिटायर होने का वक्त भी तो हो गया है, हम सब इकट्ठे रहेंगे। हम तीनों करीब 2 साल से कलकत्ता में हैं, अनादि बाबू ने प्रभात को किताब की दुकान खरीद कर दी है। अनादि बाबू का एक बड़ा भाई था जो करीब 10 साल पहले गुजर चुका है, उसके 2 बेटे हैं, निमाई और निताई, दोनों बहुत पहुंचे हुए बदमाश हैं, आस्तीन के सांप। अनादि बाबू का अपने बड़े भाई से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अपने चाचा के कलकत्ता आते ही दोनों यहां अटक गए। और ये दोनों भाई अपने चाचा की संपत्ति को हड़पने के लालच में प्रभात के दुश्मन बन बैठे हैं, उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, आप जानते हैं नेमाई निताई को? कभी देखा तो नहीं, लेकिन मिस मधुबाला राय, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर निमाई और निताई प्रभात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आप
पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, हम 2400 घंटे डंडा लेकर उनके पहरेदार तो नहीं बन सकते। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना व्योमकेश बाबू, प्रभात के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली औरत इस उम्र में। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं? नेबूतला में। क्या? नहीं नहीं बैठिए बैठिए, बस पता बता दीजिए। वो तो मुझे नहीं मालूम, प्रभात को मालूम है। आप ही जीवन प्रभात के मालिक प्रभात कुमार राय हैं? जी मेरा नाम प्रभात हालदार है। हाँ हाँ वही, अनादि बाबू ने आप ही को गोद लिया है ना? जी। आप? मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। ओह ब्योमकेश बख्शी, फिर तो आप जरूर अजीत बाबू हैं। आपकी किताबें भी हमारी दुकान में, वो देखिए। क्या चाहिए आपको? हमारे पास बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं। नहीं नहीं फिलहाल तो हमें सिर्फ निमाय नेताय का पता चाहिए। क्या चाहिए? अनादि बाबू का मकान यही है? नहीं। अनादि हल्दार यहाँ नहीं रहते? नहीं। शायद गलत पता मिला है। यहाँ उनके कोई रिश्तेदार, मेरा मतलब आप दोनों। आपको क्या चाहिए? आप जा सकते हैं। अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो क्या आप उनका पता बता सकते हैं? नहीं। आप लोगों के हाथ में बंदूक है, इसका लाइसेंस जरूर होगा आपके पास। आपसे मतलब? नहीं यूं ही। चलो बड़े बेहुदा और उज्जड़ हैं दोनों भाई। अरे बेहुदा नहीं, सतर्क हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जमाने में खाते पीते जमींदार थे, लेकिन आज अपनी अय्याशी और गलतियों की वजह से भिखारी बन गए। अपनी पुरानी शान को फटे कपड़े और टूटी इमारतों के बीचों बीच कायम रखना चाहते हैं। किसी से खुलकर बात नहीं करते, उल्टा लोगों पर शक की नजरों से देखते हैं। ऐसे लोग अक्सर डरपोक, उज्जड़ और लोभी होते हैं। लेकिन अब करोगे क्या? केस में कुछ दम लगता है? मधुबाला ने ठीक ही कहा था, दोनों अस्तीन के सांप है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, जहरीले नाग है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोनों भाई मिलकर प्रभात को खत्म करना चाहते हैं? अपना मतलब सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब क्या करें? कल अनादि हल्दार के दर्शन करते हैं। भतीजों के दर्शन तो कर लिए, अब चाचा के ना किए तो अच्छा नहीं लगता। नमस्कार। नमस्कार। ये अजीत कुमार है, ईस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ते में रहने के लिए मकान चाहिए ने। तुम कौन हो? मैं स्टेट एजेंट हूँ, सुना था पासी में मकान बन रहा है इसलिए आ गए। मैं मकान बनवा रहा हूँ खुद रहने के लिए, बेचने या किराए पर देने के लिए नहीं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप ठहरे व्यापारी, इसलिए अच्छा खासा मुनाफा है तो छोड़ भी सकते हैं। मैं दलालों से धंधा नहीं करता। नहीं नहीं आप अजीत कुमार जी से बात कीजिए ना। आप? मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बेचना है, जाओ यहाँ से। ए नपा हटाई ने। हाँ, हम चले जाएंगे, जाएंगे, चले जाते हैं। हाँ। सरकार क्या? सरकार एक बंदूक है, चाहिए दो नाली है, रख लीजिए कभी काम आएगी। बंदूक? अरे बंदूक का मैं क्या करूंगा, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। अच्छा तुम तो वहीं कहीं रहते हो ना, ये 2 नंबर बहुबाजार स्ट्रीट के अनादि हल्दार को पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्यों, उनसे भी चंदा वंदा लेते हो? अरे नहीं साहब। हाँ। 1 नंबर का कंजूस है बस, वही अब कुछ नहीं देता, पहले देता था, लेकिन अब उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जानता। लेकिन साहब आप कैसे उसे पहचानते हैं?
रहने दो बस यूं ही, ये लो। बंदूक लाके दूं? कोई बंदूक बंदूक नहीं चाहिए मुझे, चलो। नमस्कार। नमस्कार। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए, दरवाजा। क्या काम है? मैं केस्टो दास हूँ। हैं? खोलिए। कौन? केस्टो दास। हाँ, वो आनंद बाबू का खून हो गया। क्या? कैसे? अंदर आओ, अंदर। कि किसी ने गोली मार दी। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं घर पर नहीं था। फिर किसे मालूम है? आप तो उनके दोस्त थे ना, उन पर हावी रहते थे। मैं उनके बचपन का साथी हूँ, मेरी हालत खराब थी इसलिए मैं वो उनके घर पर रहता था। जो कुछ बताना है आप शुरू से ही बताइए। वो क्या हो गया कि आज शाम को, नहीं मतलब मेरा कल 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 शाम को मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया। कल वो दिवाली थी ना, काली पूजा, तो मैंने उनसे 50 रुपये मांगे थे, बस उसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हुआ। उन्होंने मुझे सिर्फ 10 रुपये दिए और बोला तू ये ले और निकल जा, फिर कभी मत आना। किस किस ने झगड़ा देखा? ये मधुबाला और नेपा ने, दोनों घर ही पर थे। फिर मैं करीबन 1:30 बजे घर पर आया और देखा कि वो। 1 बजे तक कहाँ थे? नहीं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा साहब, लेकिन मैं अड्डे पर गया था शराब पीने के लिए, वहाँ पर जुआ भी खेला, जुए के अंदर मैं 30 रुपये जीता भी और फिर जरा इधर उधर। घर आकर क्या देखा? वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखा तो वो। अरे यहाँ क्या बैठे हो? केस्टो बाबू, ये आपका काम है, आपने अनाज लोगों को खून किया है। खून? कब, कहाँ, किसने? वहां बालकनी में जाकर देखिए। क्यों चुप क्यों हो गए? तुम लोग मुझे क्यों दोष देते हो? मैं क्यों अन्नाजी का खून करूंगा? वो तो मेरा अन्नदाता था, उसी का तो मैं खाता पीता था। सादा बनो मत, मैं अभी जाकर पुलिस में खबर देता हूँ। अरे मैं डर गया, क्योंकि पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी ना, वो लोग गवाही देंगे। मेरा अन्नाजी के साथ झगड़ा हुआ था, फिर मैं भागा वहां से, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में आपका ख्याल आया तो आपके पास चला आया, आप ही मुझे बचा सकते हैं अंकुश बाबू। आपको यहाँ का पता कैसे मिला? वो उस दिन आप हमारे यहाँ पर आए थे ना, तो आप दोनों को देखकर के मुझे शक हुआ, मैंने कहा आप कौन है। फिर जब आप वापस आने के लिए निकले तो मैंने आपका पीछा किया, नीचे लॉजिंग हाउस में आपका परिचय मिला। तो आपने अनादि बाबू का खून नहीं किया? नहीं अंकुश बाबू, मैं क्यों करूँगा, आप ही सोचिए मुझे क्या फायदा था। क्यों, उन्होंने तो आपको घर से बाहर निकाल दिया था। वो तो यूं ही कहा करते थे गुस्से में, निकल जा। असल में उनकी हिम्मत नहीं थी मुझे निकालने की। अच्छा, हिम्मत नहीं थी, इसका मतलब है कि आप जरूर उनकी जिंदगी का कोई गुप्त रहस्य जानते हैं। क्यों? हाँ, मैं अनादि की सारी गुप्त बातें जानता हूँ, अगर चाहता ना तो उसे फांसी के तख्ते पर लटका देता, लेकिन वो सब रहने दीजिए, अगर जरूर हुई तो मैं आपको बाद में सब बता दूंगा। फिलहाल मुझे पुलिस के हाथों से बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, आपको बचाने के लिए जानना जरूरी है कि असली खूनी कौन है, इसके लिए हमें अनादि बाबू के घर जाना होगा। बापरे, मुझे भी जाना होगा? हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं किस बिना पर जाऊँगा। लेकिन अब तक तो वहाँ पुलिस आ गई होगी। अगर आपने खून नहीं किया है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा ऐसा करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, अभी तो 4 बज गए हैं, दिन निकलते ही वहाँ आ जाएंगे, वहीं पर रहिएगा आप। योगेश बाबू, आपके पास थोड़ी सी शराब मिल जाएगी, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी।
हम शराब नहीं रखते। जाइए आप यहाँ से। अभी तो सब अड्डे भी बंद हो गए होंगे। पुलिस आई नहीं अभी तक? मुझे यहाँ केष्टु बाबू लेकर आए। आप समझती कि इन्होंने खून किया है, मैं इनकी तरफ से खून की छानबीन करना चाहता हूं। किसी को कोई इतराज तो नहीं? चाबी है अनादि बाबू के कमरे में, लोहे की एक अलमारी है, उसी की चाबी है। अलमारी में क्या रुपए पैसे थे? क्या पता, अनादि बाबू किसी को अलमारी में हाथ तक नहीं लगाने देते थे। अच्छा, यहाँ आने और जाने के कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक ही है, जहां से आप आए थे। अजीत ये रखो, आइए। प्रभात बाबू, आप बताइए कि रात को आप घर से कितने बजे निकले थे? मैं और माँ निकले थे करीब 8:30 बजे, सिनेमा देखने गए थे। तो जब आप घर से निकले तो यहाँ घर में कौन कौन था? सिर्फ अनादि बाबू थे और नृपेन बाबू तो 8 बजे चले गए थे। नृपेन बाबू कौन है? अनादि बाबू के सेक्रेटरी। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहे हैं? करीब 4 साल से। 4 साल से इतने देर टिक पाए? अच्छा, आप बताइए कि अनादि बाबू का कोई दुश्मन था, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? किस किस का नाम बताऊं? जिससे भी उनकी जान पहचान थी सभी से झगड़ा मोल ले लेते थे। झगड़ा मोल लेना उनकी आदत बन गई थी। तो घर में सबसे झगड़ा करते थे? सभी को उल्टी सीधी सुनाते थे। हम उनके अधीन हैं इसलिए चुपचाप सह लेते थे। सिर्फ केष्टो बाबू ही कभी कभी। अच्छा, और प्रभात के साथ किस तरह का व्यवहार था? नहीं, इसको इतना कुछ नहीं कहते थे, ये जवाब नहीं देता ना इसलिए। अच्छा, नृपेन बाबू घर से कब गए थे? करीब 8 बजे के बाद। तो रात को वापस कब लौटे? तकरीबन 1 बजे। कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरहाट 24 परगना। खजूरहाट, ये तो रमेश मल्ली की जगह है, वहीं से तो है ये। खैर जाने दीजिए, मुझे लगता है नादी बाबू का खून हुआ है जब कोई घर पर नहीं था। वो रात को बैल्कनी में खड़े आतिशबाजी देख रहे होंगे, किसी ने बाहर से उन्हें गोली मार दी। प्रभात बाबू, आपने कहा कि आप अपनी माँ के साथ सिनेमा देखने गए थे। जी, लेकिन मैंने सिनेमा नहीं देखा था। माँ को सिनेमा हॉल में बैठाकर मैं सीधे अपनी दुकान चला आया था। 8:30 बजे रात को आप अपनी दुकान पर गए थे? जी, दिवाली की रात थी, दुकान को रोशनी से सजाया था। फिर करीब 12:45 बजे दुकान बंद करके मैं सिनेमा हॉल गया और वहाँ से माँ को लेकर सीधे अपने घर आ गया। इसका मतलब है करीब रात 9 से लेकर 12:45 तक आप दुकान में ही थे? जी। वहाँ कोई और था आपके साथ? जी, दरबान था, पहरा दे रहा था सामने। तो इतनी रात गए आप दुकान में, इतनी देर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सिल्ड बना रहा था। ठीक है, अनादि बाबू की अलमारी देख लेते हैं। चलो, सबको जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं रहेगा, पुलिस भी आ सकती है। मधुबाला देवी, अगर चाय का इंतजाम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी। केष्टो बाबू, आइए, आप मेरे साथ आइए। हाँ, चलिए आइए। आइए, बस ये। अनादि बाबू क्या खूब किताबें पढ़ते थे? कभी देखा तो नहीं। ऐसा लगता है यहाँ इस किताबों की लाइन में से कई किताबें निकाली गई है, वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। ये क्या है?
कहीं आते जाते थे अनादि बाबू? कोई खास नहीं, कभी वकील के यहाँ गए, कभी बैंक में चले गए बस। ये देखो, दयाल हरी मजूमदार, ये कौन है? इनकी लड़की से प्रभास शादी करना चाहता था, लेकिन अनादि बाबू राजी नहीं थे। क्यों, लड़की अच्छी नहीं थी? पता नहीं, लेकिन सुना है गाना बहुत अच्छा गाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर तो पढ़कर ऐसा लगता है उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे, क्या उधार पर दिए थे? हैंड नोट है? हो सकता है जिस आदमी को 5,000 रुपये उधार दिए हैं उससे रिश्ता नहीं करना चाहते हो। वैसे पैसे के मामले में बहुत चौकस थे। अच्छा। इस पर तारीख भी 1 महीने पहले की है, शादी की बात तब चल रही थी शायद, उसी वक्त। अजीत, जरा ये दयालहरी मजूमदार का पता नोट करना। हाँ बोलो। ये लिखा है 13x3 रामतनु लेन श्याम बाजार। जी। क्या चाहिए? आप कौन है? मुझे इस परिवार का दोस्त समझिए, ब्योमकेश बख्शी है मेरा नाम। अच्छा, डिटेक्टिव? जी नहीं, सत्यान्वेषी। हमें खबर मिली है कि अनादि हालदार की मृत्यु हो गई है। ये दोनों भाई अनादि बाबू के बड़े भाई के बेटे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। अपने चचा के जायदाद पर कब्जा करने के लिए यहाँ आए। आप इन परिवार के लोगों को सबको कह दीजिए फौरन ये मकान खाली कर दे। मकान खाली कर दे? लेकिन आप कौन है ये तो पता चले? मैं इनका वकील हूँ, कामिनीकांत मुस्तफी। वकील? तो वकील बाबू, आपको मालूम होना चाहिए कि अनादि हलदार के उत्तराधिकारी ये दो भतीजे नहीं हैं, उन्होंने संतान गोद ली है। वाह, आप जब इस परिवार के दोस्त हैं तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि अनादि बाबू ने कोई भी संतान गोद नहीं ली है। गोद लेना सिर्फ जुबानी नहीं चलता, बाकायदा कोर्ट में रजिस्ट्री करनी पड़ती है, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसी कोई भी बात अनादि बाबू ने नहीं की है। अब जिस परिवार के दोस्त है उन्हें कह दीजिएगा जिन कपड़ों में है उन्हीं कपड़ों को लेकर तुरंत ये घर छोड़कर चले जाए। एक कानी कौड़ी भी साथ में नहीं ले जा सकते। यहां पर जो भी कुछ है वो मेरी मुवक्किल की संपत्ति है। ये बात है, सोचा होगा धमकी देकर अनादि बाबू की जायदाद हड़प लेंगे, लेकिन जायदाद हत्याना इतना आसान काम नहीं वकील बाबू। गोद ली हुई संतान अगर गैर कानूनी है तो कानूनन साबित करना होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, तब कहीं जाकर कब्जा मिलता है, समझे? अगर आपने इसी वक्त घर नहीं छोड़ा तो हम पुलिस बुलाएंगे। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, पुलिस खुद ही आ रही है। आप ये बताइए कि अनादि हलदार गुजर गए हैं ये आपको इतनी जल्दी कैसे पता चला? अब तक तो 2 घंटे भी नहीं हुए। 2 घंटा? चाचा जी मरे तो रात को 11। हाँ, रात को 11 बजे। ये आपको कैसे पता लगा? आप क्या वहीं मौजूद थे हाथ में बंदूक लिए? तुम दोनों चुप रहोगे? हाँ, जो कुछ कहना है मैं कहूंगा। तो आप घर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? मैं अदालत से ही फैसला करवाऊंगा, चलो। अरे रुकिए, पुलिस आकर इन दोनों भतीजों का बयान जरूर लेगी, पूछेगी कि कल रात 11 बजे ये दोनों कहां थे। अरे अरे रुको। आप कानूनन अनादि बाबू के दत्तक नहीं है, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये सच्ची व्योमकेश बाबू कि अनादि बाबू ने प्रभात को कानूनन गोद नहीं लिया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों प्रभात बाबू? जी मुझे कानून तो मालूम नहीं है। जब कलकत्ता आया था तो अनादि बाबू मुझे एक वकील के पास ले गए थे, वहीं मुझे पता चला कि गोद लेने के लिए रजिस्ट्री करनी पड़ती है, लेकिन बाद में कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब आप जानते थे कि आप उनके वारिस नहीं हैं? जी जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी मौत के पहले वो रजिस्ट्री करके आपको दत्तक बना देंगे। जी मतलब प्रभात को कुछ नहीं मिलेगा, सब निमाई निताई ले जाएंगे।
माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमारी दुकान तो है, उसी से गुजारा हो जाएगा। शुक्र है उनकी मौत के लिए कोई तो रोया। चलो आओ यहाँ। ये रहने दो, चाय को जमी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलो कि बैठकर चाय पीते हैं। ठीक है चलते हैं। एक काम करते हैं, पहले इस मकान के चारों तरफ की गलियां घूम लेते हैं। अरे गलियों में क्या देखोगे तुम? चलो चलो। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अनादि हलदार की अलमारी की लगती है। अनादि हलदार? उसकी चाबी तो तुम अभी थोड़ी देर पहले उसकी कमर में खोस के आए हो। दूसरी भी तो हो सकती है। दूसरी? लेकिन यहां कैसे आ गई? वो देखो उस खिड़की से। चलो। माफ कीजिए, आप ही इस होटल के मालिक हैं? जी हाँ, आइए बैठिए। कहिए। बात यह है कि कल रात सामने वाले मकान में खून हो गया है। खून? किसका? सामने वाले मकान में अनादि हालदार का। क्या? अनादि हालदार का खून हो गया? आप पहचानते हो उन्हें? अरे पहचानता क्यों नहीं, वो सामने वाले मकान में ऊपर ही तो रहते हैं। कल रात भी उनको देखा था मैंने। अच्छा, कहाँ? अरे वहीं अपनी बालकनी में खड़े दिवाली की आतिशबाजी देख रहे थे। आप कुछ खुलासा बता सकेंगे? देखिए मैं उनके खून के बारे में छानबीन कर रहा हूँ। मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है। ओ, तो आप ब्योमकेश बाबू हैं? ओ भाग्य हमारे। अरे गणेश जल्दी से चाय आमलेट लेके आना। नहीं नहीं आप तकल्लुफ मत करें, हम अभी अभी तो आप ही के होटल में खा पी चुके हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप जैसे महानुभाव हमारे यहाँ आए हैं और हम कुछ ना करें। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? जो भी आप जानते हैं, जो कुछ भी आप बता सकते हैं। जी मैं यही रहता हूँ, एक कमरा मेरा है और दूसरे कमरे में कुछ लड़के रहते हैं, तकरीबन 7 लोग होंगे। 2 लड़के दिवाली की छुट्टी के लिए घर चले गए और 2 दिवाली की रोशनी देखने के लिए शहर में चले गए। बाकी सब ताश खेल रहे थे, मैं भी उनके साथ खेल रहा था। खिड़की के पास ही तख्तपोश है, उसी बैठ के हम लोग खेल रहे थे। जब भी मेरी नज़र बाहर जाती थी, अनादि बाबू बालकनी में खड़े दिवाली का मज़ा लेते हुए नज़र आते थे। तकरीबन 10:30 बजे तक हम लोग खेलते रहे। जो उसके बाद उनको नहीं देखा? नहीं, हम सब खा पी कर सो गए। और ये जो लड़के रोशनी देखने गए थे, ये कब लौटे? उनमें से एक तो 12 बजे रात को लौट आया था, मगर दूसरा अभी तक नहीं लौटा है। अब भी रोशनी देख रहा है। अनादि बाबू की लाश बालकनी में पड़ी मिली थी, गोली सीने से लगकर पीठ से पार हो गई। हमारा ये ख्याल है कि यहीं इसी होटल से किसी ने बंदूक चलाकर उनकी हत्या की है। हमारे होटल से? कौन मारेगा? यही तो पता लगाना है। आपने कहा कि रात 7 के बाद आप 5 के अलावा और कोई ऊपर नहीं गया, ठीक है ना? मुझे तो यही लगता है। फिर भी पूछ लेता हूँ, ऊपर एक हमेशा के लिए नौकर है, शायद उसे मालूम हो। हरीश, अरे हरीश। सरकार।
परेशान कहाँ थे तुम? मैं यहीं ऊपर था सरकार, सारा दिन सीढ़ियों पे बैठा रहा, आप लोग ताश खेल रहे थे। कब तक बैठे थे? 12 बजे जब बीरू बाबू आए तब मैं कंबल ओढ़े हुए यहीं बैठा था, कहीं भी नहीं गया। तो ये जब ताश खेल रहे थे तुम वहीं 12 बजे तक सीढ़ियों पर थे, हिले नहीं वहां से? जी नहीं, बस 5 मिनट के लिए नीचे गया था राम बाबू के लिए तंबाकू लाने। कब, किस वक्त गए? 9 बजे। तो 9 से 12 तक वहां कोई नहीं आया? इनके पास तो कोई नहीं आया था। 10 बजे के करीब तिमंजले वाले बाबू आए थे। अरे हाँ, तिमंजले में एक किरायेदार रहता है, वहाँ एक छोटा सा कमरा है, वो वहाँ रहता नहीं, खाना भी नहीं खाता है, बस सुबह शाम चक्कर लगा जाता है। क्या नाम है उसका? नाम नित्यानंद घोषाल। अच्छा, रोज ये दोनों वक्त आते हैं तो जाहिर है कि कलकत्ते में रहते हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ पर? करीबन 6 महीने से। वक्त पर किराया दे देते हैं, कोई खिटपिट नहीं। दिखने में कैसे हैं? गोल बटोल ठिगने से। नित्यानंद बाबू जो 10 बजे आए तो क्या तुमसे कोई बात नहीं हुई? जी नहीं, वो बातचीत करते ही नहीं, बैग लेकर सीधा तिमंजले चले जाते हैं। बैग? जी हाँ, वो जब भी यहाँ आते हैं उनके हाथ में एक चमड़े का बैग रहता है। कितना बड़ा बैग? लंबा सा, तमाशे वाले जैसे बांसुरी बैग में रखते हैं ना, ठीक वैसा ही। अच्छा अच्छा, क्लैरिनेट रखने का बैग उसी तरह का होगा। तो ये क्या अपने कमरे में बाजा बजाते थे कोई? बजाते हुए तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। वापस फिर ये कितने बजे गए? 1 घंटे के बाद, बहुत जल्दी में थे, दनदनाते हुए उतरे और चले गए। ठीक है, जाओ, आप जाओ। जी, क्या हम ऊपर के कमरे देख सकते हैं? जी, पर उससे पहले चाय नाश्ता हो जाए। नहीं नहीं, पहले कमरे देख लेते हैं, बाद में फुर्सत से। आइए 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 आइए, इस कमरे में मैं रहता हूँ। अकेले? जी नहीं, बीवी बच्चों को गांव भेज दिया है, आजकल यहाँ की जो हालत है। अच्छा किया। और ये बड़ा हॉल है, यहाँ 7 जने रहते हैं, देखेंगे आप? नहीं, समझ लीजिए, देख लिया, चलिए ऊपर चलते हैं। छत पे आइए आइए। इस कमरे की चाबी है आपके पास? लीजिए, देखिए इसमें से कोई लगती है या नहीं, वैसे किराएदार की गैरहाजिरी में कमरा खोलना उचित नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सो। रात को करीब 11 बजे रास्ते पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, चारों तरफ बम फटने की आवाज आ रही है। अनादि बाबू अपनी बालकनी में खड़े नजारा देख रहे हैं, तो उस वक्त इस खिड़की से गोली मारना मुश्किल काम है। गोली की आवाज तो पटाखों की आवाज में हो जाएगी। लेकिन होटल में इतने लोगों के बीच बंदूक लाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। आपके किराएदार तो लंबे लंबे बैग लेकर आते हैं ना, तो उसमें इस तरह का अस्त्र छुपाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए। ये तो हाल ही में गिरा लगता है। ये कमरा क्या रोज साफ होता है? नहीं, कमरा खुला नहीं होता। ये प्लास्टर जो गिरा है, आप क्या बता सकते हैं कब गिरा है? नहीं, लेकिन 6 महीने पहले जब कमरा दिया था तो सफेदी करा कर दिया था,
उस समय कुछ टूटा फूटा नहीं था। अजीत इस पलंग को खड़ा करो। तो फिर कब आई यहां इस कमरे में? क्या किसी ने बंदूक चलाई थी? ये जो खिड़की है क्या ये हमेशा खुली रहती है? नहीं खुली तो नहीं रहती, लेकिन कब्जा खराब हो गया, मरम्मत करवानी। अनादि बाबू अगर अपनी बैल्कनी से खिड़की की तरफ गोली चलाएं तो यहां दीवार पर आ सकती है, या फिर किसने खून किया कुछ सुराग मिला? अभी नहीं, लेकिन जिसने भी किया है बड़ी सोच समझ कर अकलमंदी से किया है। दिवाली की रात चारों ओर पटाखों की आवाज और उसके बीच गोली की आवाज कैसे सुनाई देगी? कौन हो सकता है? कोई भी, सबका अपना अपना मकसद है। इधर निमाय नेताय को लो ना, गुड्डा किसी को गोद ले उससे पहले ही उसे उड़ा दो। उनमें से कोई भी उस होटल के 3 मंजिले वाले कमरे में बैठा इंतजार कर रहा है। बस रात को 10 और 11 के बीच पटाखों की आवाजों के साथ ही उस पर गोली चला दी, बुड्ढा आउट, काम फतह। मतलब ये काम निमाय नेताय? वो तो सिर्फ एक संभावना है। दूसरी संभावना यह है कि किसी ने घर के अंदर से गोली चलाई, गोली सीना चीरती हुई खिड़की से उस 3 मंजिले कमरे की दीवार में जा अटकी। ये कैसे हो सकता है? उस वक्त अनादि हलदार घर के अंदर अकेला था, अंदर से दरवाजा बंद था, फिर अंदर से गोली कौन चलाएगा? और ये कैसे कह सकते हो कि गोली सीने से लगकर पेट की तरफ से निकली या फिर पेट से लगकर सीने की तरफ से बाहर निकली? वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात जो सोचने की है वो तो ये है कि बैल्कनी के अंदर कोई गोली नहीं मिली। हुँ.